हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का बिरयानी। हम इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे और ये घर पर बनाना बहुत ही आसान है। आप भी इसे घर पर ज़रूर बनाइए। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए हम पहले चिकन टिक्का बनाएंगे। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए हम लेंगे चिकन, यहाँ पर मैंने 600 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। इसके बाद हम लेंगे 2-3 टेबल स्पून हंकड़, ये दही है जिसका हमने पानी निकाल लिया है। 2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/2 छोटी चम्मच हरी मिर्ची की पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून ऑयल। अब सबसे पहले हम चिकन टिक्का के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने ये बोनलेस चिकन ले लिया है। अब हम इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, चिकन टिक्का मसाला डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच दरदरी कुटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और अब हम इसमें हंगकर्ड डालेंगे, यानी कि पानी निकला हुआ दही। आप हंगकर्ड को घर में बना सकते हैं। इसके लिए हम नॉर्मल दही को एक साफ कॉटन के कपड़े में बांध कर टांग कर रख देंगे और 1/2 से 1 घंटे में इसका सारा पानी निकल जाएगा और आपका हंगकर्ड बनकर रेडी हो जाएगा। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही की और मसालों की चिकन के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए। चिकन टिक्का बनाने के लिए आप हंग कट का ही यूज़ करें, इससे ही आपका टिक्का अच्छे से बनेगा। रेगुलर दही से आपका चिकन टिक्का ठीक से नहीं बनेगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर इसे मिनिमम 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम राइस को वॉश कर इन्हें सोक करने रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम बासमती राइस लिया है। अब हम इन्हें 4 से 5 बार अच्छे से साफ धो लेंगे और उसके बाद इन्हें साफ पानी में 1 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद हमारा चिकन मैरिनेट होकर रेडी है। अब हम इससे चिकन टिक्का बनाएंगे। चिकन टिक्का बनाने के लिए मेरे पास स्क्यूअर्स नहीं है, तो मैं इसे ग्रिल पैन पर बना रही हूँ। और अगर आपके पास ये ग्रिल पैन भी नहीं है, तो आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। इसके लिए हम पैन पर अच्छे से तेल लगा लेंगे और उस पर चिकन के पीसेस रख देंगे। हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है और आप भी इसे लो टू मीडियम पर ही कुक कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। हमने सारे चिकन के पीसेस को पैन में डाल दिया है। चिकन को नीचे से कुक करते हुए इन्हें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल ब्रश कर देंगे। और अब हम चिकन के पीसेस को पलट देंगे। और इन्हें दूसरी साइड से भी 5-6 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। हमें सारे पीसेस को अच्छे से कुक कर लेना है। दोनों साइड से अच्छे से कुक होने के बाद अब हम इन्हें पलट पलट कर दोनों साइड से फिर से 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। हमारा चिकन टिक्का बनकर रेडी है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम चिकन टिक्का बिरयानी के लिए मैरिनेशन बनाएंगे। उसके लिए हम 1/4 कप बारीक कटा हुआ पुदीना लेंगे और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे।
1/4 कप हम फ्राइड अनियन लेंगे यानी कि बरिस्ता, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला पाउडर, आधा कप दही, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तेल 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा छोटी चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट। अब हम चिकन टिक्का बिरयानी के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले चिकन में फ्राइड अनियन डालेंगे, उसके बाद हम इसमें पुदीना और हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें बिरयानी मसाला डाल देंगे, उसके साथ ही हम इसमें तरतरी कुटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें दही डाल देंगे। और दही को भी चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही भी चिकन में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम चिकन के पीसेस को जिस भी बर्तन में हम बिरयानी बना रहे हैं अब हम उसमें चिकन को सेट कर लेंगे। चिकन टिक्का बिरयानी में स्मोकी फ्लेवर होता ही है, तो अब हम चिकन को स्मोक देंगे। पर आज मैं आपको स्मोक देने का एक नया तरीका बता रही हूँ जिसमें आपको कोई भी कोयले की झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आसानी से आप किसी भी डिश में स्मोकी फ्लेवर डाल सकते हैं। ये हम गैस पर एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा रख देंगे और उसे पूरा जला देंगे। हमें दालचीनी को पूरा काला होने तक जलाना है, इससे ही हम हमारी टिक्का बिरयानी को स्मोक देंगे। अब हम चिकन में ऐसे कटोरी रख देंगे और उसमें जो हमने दालचीनी को चलाया है वो रख देंगे और उसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और जैसे स्मोक उठने लग जाए हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए चिकन को ऐसे ही ढके रहने देंगे। अब हम राइस को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए हम बड़ी पतीले में पानी रख देंगे और इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे। आपको राइस को बॉईल करने के लिए इतना पानी लेना है कि जिसमें हमारे राइस अच्छे से बॉईल हो जाए। उसके बाद हम पानी में 2 बड़ी इलायची डालेंगे, 4 छोटी इलायची डालेंगे, 2 इंच दालचीनी के टुकड़े डालेंगे, 10 से 12 काली मिर्च डालेंगे, 6 से 7 लौंग डालेंगे, 1 चक्री फूल डाल देंगे। एक टेबलस्पून शाही जीरा डालेंगे। अब हम पानी को ढक कर अच्छे से उबलने देंगे। पानी अच्छे से उबल गया है, अब हम इसमें सोख किए हुए राइस डाल देंगे। अब हम इन्हें एक बार अच्छे से हिला लेंगे और इन्हें कुक होने देंगे। हमारे राइस में अच्छे से उबाल आ गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे और इन्हें अच्छे से बॉईल करेंगे। हमें राइस को 85% तक कुक कर लेना है। और जैसे हमारे राइस 85% तक कुक हो जाएंगे हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे।
हम राइस को एक बार चेक कर लेंगे, हमारे राइस बिल्कुल परफेक्ट कुक है जैसे हमें चाहिए। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। हमें राइस में बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, हम इसका अच्छे से पानी निकाल लेंगे। हमारे राइस बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम राइस को चिकन के ऊपर सेट करेंगे। इससे पहले हम चिकन पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। उसके बाद हम चिकन पर बारीक कटा हुआ पुदीना और परिस्ता डालेंगे। ये फ्राई किए हुए प्याज है। अब हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। 1/4 टीस्पून केवरा वाटर डालेंगे। और अब हम चिकन पर सारा राइस डाल देंगे। इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम राइस के ऊपर फिर से थोड़ा सा केवरा वाटर के ड्रॉप्स डालेंगे, थोड़ा सा बिरयानी मसाला पाउडर डाल देंगे। थोड़े से फ्राइड अनियन डालेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं। और अब हम राइस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। और अब हम राइस पर येलो और रेड फूड कलर डाल देंगे। और अब हम इसे एक फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर लेंगे। मैंने हांडी को बहुत ही अच्छे से पैक कर लिया है ताकि इसमें से कोई भी एयर बाहर ना जा सके। अब हम गैस पर एक मोटे तले का तवा रख देंगे और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम उस पर बिरयानी की हांडी रख देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए दम देंगे। 15 मिनट के बाद अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10-15 मिनट के बाद अब हम बिरयानी को खोलेंगे। अब देख सकते हैं हमारी बिरयानी कितनी बढ़िया लग रही है। अब हम बिरयानी को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बनकर रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।